सोशल मीडिया पर मनीषा रानी को ट्रोल करने वालों को एक बार फिर दिया एल्विश ने ऐसा जवाब, जिसके बाद लोगों की हो गई बोलती बंद। एल्विश यादव ने निभाई मनीषा से सच्ची दोस्ती और एक बार फिर दोस्ती के लिए आए सामने। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। एल्विश ने मनीषा के लिए पहली बार स्टैंड नहीं लिया है, एल्विश ने हर वक्त मनीषा के लिए स्टैंड लिया है। इवन एल्विश के दोस्त कटारिया, अरिजीत हो या लक्ष्य हो, सभी लोगों ने जब भी मनीषा जी के लिए स्टैंड लेना है हमेशा लिए हैं और बेधड़ल्ले से लिए हैं। सबके सामने आकर लिया गया है। सोशल मीडिया पर मनीषा को जब भी ट्रोल किया जाता है, एल्विश और उनके दोस्त हमेशा से ही उन ट्रोलर्स को जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। बिग बॉस के घर में भी एल्विश ने हमेशा मनीषा को इनडायरेक्टली और डायरेक्ट सपोर्ट किया है। कुछ दोगले लोग की तरह सिर्फ और सिर्फ दोस्ती अपने व्यूज़ और अपने मतलब के लिए नहीं निभाई है। एक बार फिर एल्विश और उनके दोस्तों ने ऐसी दोस्ती निभाई है ना, जिसके बाद जो सोशल मीडिया में चल रहा है उसको एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। पहले मैं चाहूंगा ये छोटी सी क्लिप है, इसको एक बार को आप जरूर सुनिए। मेरे पार्क में चिल्ली मरवा रहा था सनातन धर्म में, हमारे लड़के को रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता तो भाई उसको फॉलो करते हैं। वहां के लड़के से मेरा कोई लिंक भी नहीं आ रहा। तूने तो दिल जीत लिया, तूने आंखें खोल दी, हमारे तो नंबर बढ़ा गया। करो कुछ तो हमारी आंखें खोल दी लड़के भाई, दे भी आए थे क्यों लड़के को। चलो ठीक है, अच्छी बात है, इसमें सही बोली भाई, भैया। तो जी हाँ, ये स्क्रिप्टेड है, ये स्क्रिप्टेड था। एल्विश ने अपने दोस्तों से ये बात इसलिए बुलवाई थी क्योंकि सोशल मीडिया पर इस समय मनीषा को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग की जा रही है। और अरिजीत ने एक बात बोला कि हिंदू धर्म में लड़कियों को देवी माना जाता है, तो आप लोग अगर देवियों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ट्रोल भी मत करो मनीषा को, जिस तरीके से बुली किया जा रहा है ना सोशल मीडिया पर। एक बार फिर एल्विश ने ये निभाकर साफ कर दिया है कि एल्विश मनीषा के सच्चे दोस्त हैं। इसके पहले लक्ष्य ने भी इस बात को लेकर खुल के कहा था कि मनीषा जी को हेट नहीं देना चाहिए। इवन कटारिया ने भी इसके लिए स्टैंड लिया है। ये होती है दोस्ती, जो दोस्त की मुसीबत में हमेशा ही खड़ा रहे। आप बताना कमेंट बॉक्स में एल्विश यादव की इस जवाब पर आपका क्या है ओपिनियन। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।